हाय दोस्तों, मेरा नाम अतुल मैथिल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल UHQ रिलेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। अब फिर से मैं एक नई वीडियो लेके आ गया हूं जो कि आर्टलरी सेंटर हैदराबाद की रिलेशन भर्ती है। और आपको मैं बताऊंगा कि जो उसका सेंटर यानी कि ग्राउंड कैसा है और बैच कितने का बनता है, रनिंग कितने की होती है, टाइमिंग कितनी मिलती है और दोस्तों भर्ती कब होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। आजकल लाइक एम रखते हैं भाई हम 40 लाइक का, तो भाई प्लीज़ 40 लाइक कंप्लीट करवा देना। तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नया ही चैनल बनाया है आपके लिए, ठीक है भाई। तो दोस्तों हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि भाई आप आर्टलरी सेंटर हैदराबाद में जाओगे रिलेशन भर्ती के लिए, तो वहाँ का ग्राउंड आपको कैसा मिलेगा आपको मैं बता दूँ। जो भाई वहाँ का रनिंग ट्रैक है वो 400 मीटर का है, ठीक है भाई। 400 मीटर का एक है और जो उसके 4 राउंड आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है भाई। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला है किसी वीडियो में कि भाई अगर आप रनिंग करते हो तो भाई गोल राउंड की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि 4 राउंड भाई काफ़ी भारी पड़ जाते हैं। और वो हम बोलते हैं कि 4 राउंड लगाने से कि टाइम कम मिला है, भाई टाइम पूरा मिलता है, पर आपको ग्राउंड की प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है, ठीक है भाई। मेहनत करते रहें, मेहनत करना हमारा काम है और सफलता देना भगवान का काम है, ठीक है भाई। आप सिर्फ मेहनत करते रहें। और भाई सेकंड नंबर पर है जो हमारा रनिंग बैच बनेगा भाई, वो कितने का बनेगा मैं आपको बता दूं। अगर भाई बंदे ज़्यादा आते हैं तो भाई बैच 250 से ऊपर भी जा सकता है, और नहीं भाई रनिंग बैच भाई 150 से 200 के बीच में ही बनेगा, जिसमें से भाई वो समथिंग 50 तक बच्चे पकड़ेंगे या 50 से ऊपर पकड़ेंगे, ठीक है भाई। सिर्फ आपको करना क्या है, फर्स्ट पर लगना है और आपको ठीक ठाक दौड़ना है, ठीक है भाई। और भाई आपको टाइमिंग क्या मिलेगी, टाइमिंग भाई आपको 5:45 फुल मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको 5:45 फुल रनिंग जो आपको मिलेगी, टाइम मिलेगा वो पूरा मिलेगा। सिर्फ आपको अपनी रनिंग पर फोकस करना है, टाइम नहीं देखना है, ठीक है भाई। आपको सिर्फ ये देखना है कि हमारे आगे कितने बच्चे हैं और कितने काट रहे हैं, ठीक है भाई। रनिंग पर कोई एक्सक्यूज नहीं, सिर्फ आपको रनिंग करनी है, अभी से आप भाई प्रैक्टिस करें। और भाई मैं आपको बता दूं इसमें ट्रेड कौन कौन सी हैं। जैसा कि भाई आपको सबको पता होगा कि जो आर्टलरी सेंटर हैदराबाद में सब ट्रेडों निकलती है, इसमें सोल्जर GD निकलती है, ट्रेड्समैन निकलती है, क्लर्क निकलती है, टेक्निकल निकलती है। तो भाई इसमें ज़्यादातर वैकेंसी भाई GD में आती हैं। आपको मैं फिर से ये बता दूँ, इसमें ज़्यादातर वैकेंसी GD में आती हैं। तो भाई आप प्लीज़ मेहनत करते रहें, और टेक्निकल में भाई खूब ठीक ठाक आती हैं, ठीक है भाई। और 5 नंबर पर भाई अदर सेंटर का चांस, तो वो भी मैं बता दूं भाई। अदर सेंटर का चांस भाई ये है कि अगर आपके पास पिताजी का रिलेशन है तो आप इस सेंटर में भर्ती के लिए जा रहे हो, तो भाई आपका चांस 90-90% है, ठीक है भाई। क्योंकि आप फिजिकल अच्छा करो और पेपर भी अच्छा करो तो भाई आपके फुल चांस होते हैं, यानी कि 100% भी लगा सकते हो, आपके चांस 100% भी इस सेंटर में लगने के होते हैं ये, क्योंकि सेंटर भी भाई काफ़ी अच्छा है, ठीक है भाई। और भाई अगर आपके पास 6 नंबर पर है अदर सेंटर चांस, यानी कि आपके पास अगर भाई का रिलेशन है, ब्रदर, तो आपके चांस भाई 80% होते हैं इस सेंटर में लगने के। और भाई किस्मत की बात भी डिपेंड करती है कुछ, ठीक है भाई। अगर आपके पास किस्मत और लक है तो भाई आपको कोई हरा नहीं सकता। और 7 नंबर पर भाई अगर ये हमारी भर्ती कब निकलेगी, तो आपको मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, फर्स्ट वीडियो मेरी आर्टलरी सेंटर की है भाई। मैंने बताया था कि भाई जो ये भर्ती निकलने वाली है भाई वो अप्रैल में निकलने वाली है, तो इसमें भाई कोई डाउट नहीं है। तो जैसे ही भाई चार्ट आएगा तो मैं ज़रूर वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूँगा, ठीक है भाई। तो भर्ती पे भाई कोई सिर्फ अप्रैल में ही निकलेगी, ये आप ध्यान रखना। और भाई इसमें 7 यानी कि 8 नंबर पर भाई अदर सेंटर में बच्चे इस पर यानी कि अदर सेंटर के बच्चे क्लर्क में लगेंगे नहीं लगेंगे, कुछ भाई पर्सनली पूछ रहे हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं इस सेंटर में अदर सेंटर के बच्चे क्लर्क में भर्ती देख सकते हैं, और भाई पर उनका चांस कम होता है, 50-50, ठीक है भाई। वैसे अदर सेंटर के बच्चे इस सेंटर में क्लर्क की भर्ती देख लेते हैं, पर उनका भाई चांस 50-50 होता है, लग भी सकते नहीं लग सकते, पर भाई कुछ बंदे लगते हैं। तो इसलिए भाई आप अगर क्लर्क में
यानी कि पढ़ाई में ठीक हो तो भाई क्लर्क की भर्ती देखो। नहीं भाई, अब मैं कहता हूँ कि आप टेक्निकल या जीडी की भर्ती देखो। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और भाई वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, और बेल के आइकन को भाई ऑन ऑल पर सेट कर लेना, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो आती रहेंगी तो भाई आपको अपडेट मिलता रहेगा। और अगर आपको भाई पेपर, किसी पेपर के बारे में जानकारी लेनी है भाई, मुझे टेक्निकल, जीडी, ट्रेड्समैन या क्लर्क के पेपर के बारे में भाई बताओ, तो भाई पर्सनली मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको अपना नंबर व्हाट्स यानी कि डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दे दूंगा, तो भाई मुझे वे भी कमेंट कर सकते हो। नहीं भाई, वीडियो के नीचे आप किसी भी सिलेबस का नाम और भाई उसके क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो भाई मैं ज़रूर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।